महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने को है। आपको बता दें कि 21 अक्टूबर को मतदान और 24 को नतीजे आएंगे। महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी का गठबंधन हो गया है और सीटें भी बढ़ गई हैं, मगर बीजेपी और शिवसेना के बीच अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। हालांकि दोनों दलों ने साथ चुनाव लड़ने की बात कही है। माना जा रहा है कि 1 से 2 दिनों के भीतर दोनों दलों के बीच सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी जाएगी, क्योंकि नामांकन की आखिरी तारीख 4 अक्टूबर भी नजदीक आ रही है। अब हर हाल में सवाल ये है कि राज्य में 2014 में सरकार गंवा चुकी कांग्रेस एनसीपी क्या इस बार सत्ताधारी बीजेपी शिवसेना को चुनौती दे पाएगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले पाला बदलने वाले नेताओं की बात करें तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हर्षवर्धन पाटिल अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। पाटिल इंदानगर इस सीट से 1995 से 2009 तक लगातार विधायक रहे। वो कांग्रेस एनसीपी सरकार में मंत्री भी रहे। साल 2014 का चुनाव वो एनसीपी उम्मीदवार दत्तात्रेय भरने से हार गए थे। साल 1995 से 15 साल तक राज्य में कांग्रेस और एनसीपी की गठबंधन सरकार रही, मगर 2014 के विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी और शिवसेना गठबंधन टूटने के कारण इस चुनाव में अकेले उतरी थी, मगर बीजेपी बहुमत के आंकड़े 144 से दूर रही थी। फिर भी 122 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी, वहीं 63 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही थी, जबकि कांग्रेस को 42 और एनसीपी को सिर्फ 41 सीटें मिली थी। वही आपको बता दें कि अब देखना ये होगा कि इस बार क्या कांग्रेस एनसीपी का जो गठबंधन है वो बीजेपी को चुनौती दे पाएगी। तो वही सवाल ये भी है कि बीजेपी शिवसेना के गठबंधन में क्या ये दोनों पार्टी अलग अलग उतरेंगी या फिर दोनों एक साथ चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अभी तक सीट बंटवारे को लेकर कोई भी घोषणा सामने नहीं आई है। SPN 9 न्यूज़ रूम से श्रुति की रिपोर्ट।